हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज हम हिंदी में क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे हिंदी में ओ की मात्रा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने किसकी मात्रा देखी थी? तो लास्ट वीडियो में हमने ए की मात्रा देखी थी। ओके, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐरावत। तो ए के बाद क्या आता है? यस, ए के बाद आता है ओ। ओ से ओखली, मतलब हमें कौन सी मात्रा देखी है? ओ की मात्रा, जिसे कहते हैं ओ। क से ओ की मात्रा को। ओके, तो हम क से लेके श्र तक ओ की मात्रा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क से ओ की मात्रा को, इसे क्या बोलते हैं? ओ। ओ की मात्रा ओ, मतलब को। फिर खो, गो, इस तरह से श्रो तक हमें देखना है। तो क से ओ की मात्रा को, और को से क्या होगा? के ओ। फिर है ख, ख से ओ की मात्रा खो, खो से के एच ओ। फिर है ग, ग से ओ की मात्रा गो, और गो से क्या होगा? जी ओ। सबसे इजी जो मात्रा है वो ये है, ओ की मात्रा। ओके, फिर ग के बाद क्या आता है? घ, घ से ओ की मात्रा घो, घो से जी एच ओ, गो। फिर घ के बाद च, च से ओ की मात्रा चो, चो से सी एच ओ। फिर च के बाद क्या आता है? छ, छ से ओ की मात्रा छो, छो से सी डबल एच ओ। फिर होता है ज, झ से ओ की मात्रा झो, झो से जे ओ। फिर है ज, ज से ओ की मात्रा जो, जो से जेड ओ। फिर जो, ज के बाद क्या आता है? तो ज के बाद आता है ट। तो ट से ओ की मात्रा टो, और टो से टी ओ। ट के बाद ठ, ठ से ओ की मात्रा ठो, ठो से टी एच ओ। अब ठ के बाद, तो ठ के बाद ड, ड से ओ की मात्रा डो, और डो से डी ओ। ड के बाद ढ, ढ से ओ की मात्रा ढो, ढो से डी एच ओ। फिर है ण, ण से ओ की मात्रा णो, णो से एन ओ। फिर ण के बाद क्या आता है? यस, त, त से ओ की मात्रा तो, तो से टी ओ। तो के बाद आता है थ, थ से ओ की मात्रा थो, थो से टी एच ओ। थ के बाद द, द से ओ की मात्रा दो, दो से डी ओ। दो के बाद ध, ध से ओ की मात्रा धो, धो से डी एच ओ। ध के बाद न, न से ओ की मात्रा नो, नो से एन ओ। न के बाद प, प से ओ की मात्रा पो, पो से पी ओ। पो के बाद, मतलब प के बाद फ, फ से ओ की मात्रा फो, और फो से एफ ओ, फो। फ के बाद क्या आता है? ब।
तो बसे ओ की मात्रा बो, और बो से क्या होगा बी ओ, फिर है भ, भ से ओ की मात्रा भो, भो से बी एच ओ भो, फिर है म, म से ओ की मात्रा मो एम ओ, फिर है य, य से ओ की मात्रा यो, यो से वाई ओ, फिर है र, र से ओ की मात्रा रो, रो से आर ओ, फिर है ल, ल से ओ की मात्रा लो, लो से एल ओ, फिर है व, तो र ल व, अब क्या आएगा व, व से ओ की मात्रा वो, वो से वी ओ, फिर है स, स से ओ की मात्रा सो, शो से क्या होगा एस एच ओ, फिर है श, षटकोण का श, श से ओ की मात्रा शो, शो का भी सेम होगा एस एच ओ, फिर है स, स से ओ की मात्रा सो, सो का एस ओ सो, फिर है ह, ह से ओ की मात्रा हो, हो से क्या होगा एच ओ, फिर श, तो श से क्या होगा श से ओ की मात्रा शो, शो से के एस एच ओ, फिर है ग्न, ग्न से ओ की मात्रा ग्नो, ग्नो से जी एन ओ ग्नो, फिर ग्न के बाद क्या आता है त्र, त्र से ओ की मात्रा त्र, त्र से ओ की मात्रा त्रो, और त्रो से क्या होगा टी आर ओ त्रो, अब लास्ट त्र के बाद क्या आता है श्र, श्र श्रमिक का श्र, और श्र से ओ की मात्रा श्रो, श्रो से क्या होगा एस एच आर ओ श्रो, ओके। तो आज हमने कौन सी मात्रा देखी, तो आज हमने ओ की मात्रा देखी, क से लेके श्र तक ओ की मात्रा देखी, ओके। तो अब फिर से देख लेते हैं, क से ओ की मात्रा को, ख से ओ की मात्रा खो, ग से ओ की मात्रा गो, घ से ओ की मात्रा घो, च से ओ की मात्रा चो, छ से ओ की मात्रा छो, झ से ओ की मात्रा झो, झो से ओ की मात्रा झो, ट से ओ की मात्रा टो, ठ से ओ की मात्रा ठो, ठ के बाद ड, ड से ओ की मात्रा डो, ढ से ओ की मात्रा ढो, ड से ओ की मात्रा सॉरी ढ के ढ से ओ की मात्रा ढो, फिर ण से ओ की मात्रा णो, त से ओ की मात्रा तो, थ से ओ की मात्रा थो, द से ओ की मात्रा दो, ध से ओ की मात्रा धो, न से ओ की मात्रा नो, प से ओ की मात्रा पो, फ से ओ की मात्रा फो, फिर फ के बाद ब, ब से ओ की मात्रा बो, भ से ओ की मात्रा भो, म से ओ की मात्रा मो, य से ओ की मात्रा यो, र से ओ की मात्रा रो, ल से ओ की मात्रा लो, व से ओ की मात्रा वो, स से ओ की मात्रा शो, श से ओ की मात्रा शो, स से ओ की मात्रा सो, ह से ओ की मात्रा हो, क्ष, श से क्या होता है य, श से क्षत्रिय, तो श से ओ की मात्रा क्षो, ज्ञ से ओ की मात्रा ज्ञो,
त्र से ओ की मात्रा त्रो और श्र से ओ की मात्रा श्रो। तो आज हमने ओ की मात्रा देख ली, तो ये आपको ओ की मात्रा लिख के और लर्न करनी है। और हाँ, आपको जो हिंदी की बुक दी है हिंदी प्रवेशिका, उसमें आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये पूरी की पूरी जो जितने भी हमने क का की कू के कई को, तो ये जो सारे हमने अबारक सड़ी देखी, तो वो सारे की सारी आपको नोटबुक में लिखनी है, ना कि आपको हिंदी प्रवेशिका में। आपको ओ की मात्रा में आपको नीचे इस तरह से दिया है, वहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ओके, तो ये आपको पूरी की पूरी टू टाइम नोटबुक में लिख के और लर्न करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की मात्रा।